तो आप मेरे साथ देख रहे हैं कि ये मेघनाथ का पुतला है और इसी मेघनाथ पुतले के साथ आप ये जो मेरे साथ देख सकते हैं कि इनकी जूती यानी कि मेघनाथ की जूती आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। आगे की ओर आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ रावण का बुत है और इसी बुत के साथ यहाँ माताओं को देख सकते हैं जो कि रावण की परिक्रमा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन तमाम रामा क्लब ट्रस्ट के सदस्यों को भी देख सकते हैं, ये आपको रावण की जूती नज़र आ रही है। आखिर किस तरीके से चमकीली, किस तरीके से भव्यतय तरीके से इनको सजाया गया, झरलियाँ आप देख सकते हैं और तमाम श्री रामा क्लब ट्रस्ट के सदस्यों को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियां आखिर श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा आखिर की जा रही है। आइए आगे की ओर दिखाना चाहूँगा, अगला जो पुतला है कुंभकर्ण का है। आइए कुंभकर्ण के पुतले की मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसको आखिर किस तरीके से सजाया गया, पूरा का पूरा पीला रंग आपको नज़र आ रहा है और आखिर वो मूछें भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ आप रावण की मूछें भी देख सकते हैं और आइए आपको दिखाता हूँ मैं कुंभकर्ण की जूतियाँ। कुंभकर्ण की जो जूतियाँ हैं लाल रंग की आप देख सकते हैं बिल्कुल, और हाजिर हरियाणा के माध्यम से आप हमारे साथ बिल्कुल देख रहे हैं इन पुतलों को और श्री रामा क्लब के ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा आखिर पूरी तैयारी। हाजिर हरियाणा के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस समय हम सिरसा के आटो मार्केट के अंदर है, जहां श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष की तरह दशहरे यानी कि दशानन का दहन किया जाता है। आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव के अंदर देख रहे हैं, लाइव के अंदर आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर रावण जो आपको बिल्कुल हंसते हुए नजर आ रहे हैं, सिर पर मुखौटा भी नजर आ रहा है, दशानन यानी जिनके 10 सिर थे और इसी के साथ उनके कानों में कुंडल और स्वर्ण मूछे यानी कि बड़ी बड़ी मूछे काली पोशाक के अंदर आपको यहाँ रावण नजर आ रहे हैं। उसी के साथ रावण के साथ बगल के अंदर जो पीले वस्त्रों के अंदर हंसते हुए आपको नजर आ रहे हैं वो है रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण के पैरों में आप देख सकते हैं कि लाल रंग की जूती आप देख सकते हैं और कुंभकर्ण भी आपको बिल्कुल हंसी की मुद्रा के अंदर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ तीन पुतले श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा इस बार तीन पुतलों का दहन किया जाएगा और इसी के साथ रावण के साथ बिल्कुल बगल के अंदर रावण के पुत्र मेघनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि हंसी की मुद्रा के अंदर और उनके हाथों के अंदर भी आपको फरसा नजर आ रहा है। आखिर पूरी की पूरी तैयारियां श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि तमाम तीनों बुत को यानी कि पुतलों। इस समय हम सिरसा के बेगू रोड पर है और बेगू रोड पर आप हमारे साथ देख रहे हैं श्री रामा क्लब ट्रस्ट की भव्य झांकियों का दृश्य आप हमारे साथ देख रहे हैं कि श्री रामा क्लब ट्रस्ट की आप हमारे साथ भव्य झांकियां देख रहे हैं, जहां हनुमान जी बने हुए आपको इस ट्राली के ऊपर सभी लोग नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सबसे पुराने ट्रस्ट की बात करूं तो श्री रामा क्लब ट्रस्ट है और उसके ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा देख सकते हैं कि जीप के अंदर आप हमारे साथ देख सकते हैं। मेरे साथ श्याम बजाजी क्या कहना चाहोगे, क्या क्या संदेश देना चाहोगे? आज विजयादशमी के पावन अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत है, यही संदेश है, और अहंकार का नाश होता है, कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान राम और रावण जी का भी यही संदेश है और देश में भाईचारा और प्यार की भावना रखनी चाहिए। और जैसे भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के सभी तरह के रिश्ते निभाए, ऐसी सभी को अपने अपने ऐसे रिश्ते निभाने चाहिए और आप जैसे प्यार करना चाहिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ श्री रामा क्लब ट्रस्ट से रुताज जांगड़ा जी, क्या देना चाहेंगे श्री रामचंद्र जी के? आज बुराई का नाश हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं सभी की तरफ से रावण का वध किया गया है और भगवान श्री राम की जीत हुई है, इसके ऊपर मैं सारे सिरसावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। देख रहे थे श्री रामा क्लब ट्रस्ट की तमाम झांकियों को आप हमारे साथ देख सकते हैं। श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष की भांति झांकियां निकाली जाती है, देख सकते हैं हमारे साथ देख रहे हैं, देख सकते हैं कि श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी आखिर भव्य झांकियां निकाली जा रही है और आप तमाम झांकियों का दर्शन आप हमारे साथ
हाजिर हरियाणा के माध्यम से लाइव देख रहे हैं किस तरीके से झांकियों के अंदर देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जय श्री राम के नारे लगाते हुए और पीछे देखेंगे शिव भोले की प्रतिमा आपको नजर आएगी। आखिर जो भव्य झांकी है श्री रामा क्लब ट्रस्ट की बात की जाए तो सबसे पुराना ट्रस्ट है श्री रामा क्लब, और इसी के साथ हनुमान जी को आप हमारे साथ देख सकते हैं, इस वाली पर देख सकते हैं, और इस समय आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल मध्य के अंदर रावण और उनके बगल के अंदर कुंभकर्ण और उनके साथ बिल्कुल मेघनाथ के आपको बड़े विशाल पुतले नजर आ रहे हैं, और हंसती हुई मुद्रा के अंदर रावण जी खिलखिलाते हुए चेहरा उनका आपको नजर आ रहा है, लंबी लंबी मूछ, दशानन यानी 10 सिर, और इस 10 के सिर के साथ अभी श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा भव्य आतिशबाजियों का नज़ारा आप हमारे साथ बिल्कुल देख रहे हैं लाइव हाजिर हरियाणा के माध्यम से देख सकते हैं कि श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा आज 75वां दशहरा महोत्सव 75वां ऑटो मार्केट के अंदर सिरसा के अंदर बड़े हर्ष उल्लास के साथ बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा आप मेरे साथ अगर देखेंगे दशहरा ग्राउंड तो आतिशबाजियों का नज़ारा आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, हाजिर हरियाणा के माध्यम से लाइव जुड़े हुए आतिशबाजियां आप हमारे साथ देख रहे हैं, भव्य आतिशबाजियां, और इन पुतलों के अंदर इतना बारूद भरा है वो भी आप देखेंगे। असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसीलिए दशानन का दहन 5:56 पे किया जाएगा श्री रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा 75वां दशहरा महोत्सव का आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव दृश्य देख रहे हैं, और अभी कुछ क्षणों के अंदर इन पुतलों का दहन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर गोकुल सेतिया और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी यहां उपस्थित रही, और जो बातें थी रामा क्लब ट्रस्ट के द्वारा वो रखी गई, लेकिन अब देख सकते हैं आप आतिशबाजियों का नज़ारा आप हमारे साथ बिल्कुल देख रहे हैं किस तरीके से भव्य आतिशबाजियाँ की जा रही है, और श्री रामा क्लब ट्रस्ट की ओर से देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन के साथ अग्निशमन की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, तो आप पूरी एहतियात बरतिए, और जो भी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं अगर कोई यहाँ पूछा तो अपनी जेबों को भी टटोलते रहिए साथियों, क्योंकि कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, आप कृपा जेबों को भी टटोलते रहिए। देख सकते हैं आप हमारे साथ भव्य आतिशबाजियों का दौर और रावण जलता हुआ आपको नजर आ रहा है, देख सकते हैं हमारे साथ। हमारी सांसद महोदय ने रावण के साथ ये जो साइड का आपने देखा, हमारी सांसद महोदय ने यही मंच के वाले भी आपके पास
रूप से सेतिया जी और एक से भी विधायक शिष्पाल जी केरवाला अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अब कुंभकर्ण के बुद्ध को हमारे सिरसा के विधायक श्री गोकुल जी सेठिया दुखाग्नि दे रहे हैं।